नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फुटबॉल एम टीवी ब्लॉगों में। चौमा हिंद फुटबॉल मेयर गाँव से डांग पट्टी पटोल से पोस्ट ऑफिस कल जी खाल एंड जिला पौड़ी गढ़ वालों को जन के दिखना आई होला आप लोग अचकाल कूड़वाणो चमोरो। और अभी कमरों का भी एक मान एक मोड़ सिंगाड़ एक खिड़की आली एक मोड़ सिंगाड़ी नालू एक खिड़की आली और साइड में देख सकते छो 6.5 फीट का हाइट है हमन छोटे वाली दीवार। और अब वहाँ मान सिर्फ एक ई साइड बटे एक ई साइड बटे और एक एक ई साइड बटे की। और ये दीवारों का हाइट हो गया 4 फीट, वही दीवार का हाइट हो गया 6.5 फीट। और ये हम लगाना मोड़ सिंगाड़ यहाँ का ऐंच आना खिड़की ना और वहाँ का ऐंच आना स्लीपर ना एक स्लिप ना बटाना एक स्लिप फिर मोड़ सिंगाड़ा कैंच बटाई जाली ना हुआ पूरा पर ही दुए कमरों का फिर एक स्लिप वहीं साइड है जाली और फ्रंट वाली दीवार वो नहीं छूट जाली। और काम चलो जो प्रगति पर है और ये तो काम ही गया और तब रह जान दो हौले की दीवार जनी मोड़ सिंगाड़ू वगैरह कंप्लीट दोनों ना एक बार ही ना लग जाओ हॉल तो बढ़िया रहा। आप लोग दिखाऊं छो मैं आपते कन कन वन उम्र कोड़ और आज लगभग लगभग सभी ढूंगो खाली होने बोल चो कुठियार इना बटे ढूंगो लगन बैठ गया अब धीरे धीरे ये खाली हो जाना। और एक बीच में दिखेण हुए रोल कट्ठी है सा ढूंगो लगे वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया इना तिरपा भी सारे खत्म हो गया लगभग अब रही मेन ढूंगो पैतर तिरपा और ये गुठियार इतर तिरपा जनी जनी चिणे वाली साइड बटे तो ये ढूंगन भी खत्म हो जाना। तो दोस्तों आए गए हमें फिर एक हफ्ता बाद और चिणे देख सकते चाहे पूरा हौले की दीवारी भी खड़ी हुएगी ना गेट भी लग गया खिड़की भी लग गई ना और बहुत ही बढ़िया काम चलू हूँ तो बहुत अच्छा काम करना चाहूँ बिल्लू भाई। और देख सकना चाहे ये भितरा का मोड़ सिंगाड़ भी लग गई ना खिड़की भी लगी ना और ए तरह पूरा पटो और स्लेबॉक भी ढांचा तैयार करेगा यार फ्रंट में तो पटो भी डले गया अरे सुनती का जो मसल मिलाओ छिणे खुणे डस्ट और सीमेंट लगे चुनो पर मस्त काम कर फ्राई। और ये दिया का तुम नाग भी शिल्प पटो पुण बैठी आई जना हमारे कुलन पे थ्रो रस्ता छाई और ऐ थोड़ा पटो तो डल ही गया। और अब यहाँ के पूरा चौकरे वाली भितरा कमरों की और तब फिर ना तिरपा भी पटो एंड स्लिप पोड़ जाले और शानदार काम चलो जो। और अब लगभग लगभग 6.5 फीट की ऊँचे हो गया पूरा मोड़ सिंगाड़ा ऐंच तक 6 फीट 6.5 पौने 7 फीट ही मानी चलो। और ये झुंडुई कमरा और सामने जो हॉल और अच्छा सा फंस गया अब तो लगे आ चेन मस्त काम भरा अच्छा जो और बिल्लू भाई चंद्रमोहन भाई और बिल्लू भाई का जो है जी विचना है आजकल चिणे मा और काम बहुत बढ़िया जो खींचेणु बनाई होला तो आजकल बनो मुरकूड़। और ये देख सको छुआ खिड़की भी लग गई ना मोड़ सिंगाड़ भी लग गए ना और चिणे भी काफ़ी अच्छी हो गया है। अब 1-2 फीट और चाड़ लें फिर वे के बाद लेंटर पुणे तैयार वाले चलो दिखाऊँ जाना होता फ्रंट कैमरा बटे। और ये देख सकते सुन जन की हॉल भी क्या तैयार पूरा और एक कमरा ही हो जो भितरों को और एक कमरा ही हो जो और ये पटो पोड़ गया है और आज इना के स्लिप पोड़ जाले और एक स्लिप ना बटे पुणे जो पूरा कंडर तक गई और एक स्लिप पुणे का बीच बटे और वे के बाद 2-2.5 फीट हैं चढ़ लू और फिर लेंटर तैयार वाले। और मौसम यूँ मस्त साफ एकदम और मिछो इधर तरह करूँ देख सकते छो जिनके यार तरह चनिए भी
अड़चने होनी च डूंगा दगड़ डस्ट के डस्ट और सीमेंट मिक्स कर के और यो सामने में होल तैयार। और एक साइड में सीढ़ी दिखनी जो कुछ टाइम बाद यू टूटी के फिर ना किचन बनोगा। और मलबा देख सकते हो काफ़ी कम हो गया, अब पहले तक देखो मलबा बहुत ज़्यादा चाहे बुरे चले तरफ डूंगू ही डूंगू और मलबा ही मलबा चाहे और थोड़ा बहुत रह गया डूंगू और इन आयु भूरे मन माटो हर वे के बाद यू माटो पूरा गुठियार में फैले जाओ और गुठियार भी 1-1.5 फीट एंड चढ़ो लो ताकि हमारे दिल जाकर परफेक्ट हो जाए। और देख सकते हो दोस्तों हूड़ हूँ बढ़िया तैयार जरा जरा कैरी की। और आज शिल्प पटोपन और सरी वगैरह छुनपन देनी सेटिंग भी आलू की चाहिए और थोड़ा बहुत सेटिंग करना चाहूँ और वे के बाद पड़ा लेंगे मसोलू और एक छिन सरिया बन देनी यूजन पिल्लू भाई का जो है और उन आप पटो तो पहले पोड़ के चाहे और पिल्लू भाई छन हमारा बीच एक स्लिप एंड पटो छन वहाँ में छन सरिया बनना और अजुका गई हो जो आरी ले घूमण और आज हमारो दादा भी आया छन मैल पालवटे नेगी दादा हमारा रोज बुलाया छन आज हमारा मसल डोंग को नहीं और विद्या का मेरे भाभी दे दियो काम कील सीधा कोनो को। और आज मैं आज लिंग तो बेटा भी जो बुलाई हूँ आज थोड़ा सा काम थोड़ा ज़्यादा चो और विद्या दी हो रो चाची हो चन प्रेत सनी और एक बुट लगनो शानदार कूड़ा अब और अब बहुत ही जल्दी यहाँ गैंचिने चालू वाली फिर और फिर लेंटर की तैयारी होली अरे सुंदर हमर फल द्वारा नज़ारा। और भीतर बटे भी दिखना चाहूँ सेटिंग वगैरह सेट हुई और सरिया चन बन देनी है बेरी और टेक वगैरह भी लग गई ना और बिल्लू भाई गए उस गल क्योंकि हमर चंद्र मोहन भाई चन बनना सरिया वगैरह टेक वगैरह बिठाना छा और शिल्प पटो के सेटिंग बैठनी और शिल्प पटो डे वाला अच्छे छोर चली छो रेता होने की। और अब सुमती काका चल गयो मसल वाण पर अरे बन गया रोम तैयार अब पानी तुल जा लिया और फिर पड़ा लो शिल्प पटो और कुली चे बारे पूछने जो ब्लॉग बनो जो बोला और एक कूड़ दियो होने तैयार हमारे लच्छ भाई को और एक कूड़ सामने मुँह तैयार निकोरों को और गाँव में चल मजा कूड़ा बनाने की। और यहाँ बीच द्वी कमरा सुंदर गाँव गाँव नजारा हमारो गाँव गालों को अब 2-3 कूड़ा हॉर बना तो दिखाऊँ छो मैं आप इधर चली के लज भे कूड़ी में पुड़ी पटाऊँ एक पटो छो इधर पुड़ी चाहे एक पुड़ी चे और एक भी दुई कमरा छोड़ तैयार होना और ये सोनी से हमारे गाँव को पंचायत घर लेडीज पार्टी सोनी से आज गिट्टी और पहुंची हमारा मिस्त्री चंद्र मोहन भाई बिल्लू भाई का जमाई और जिनकी ब्याल पाड़ी शिल्प पटो बीचों को और ये साइडों को और साइडों को यह मचन बढ़िया तरह और यह मचन मेरी क्यारी बढ़ाई जम के पानी से डल दूँ और यह नूनी से तरह बढ़िया से और बीच में डल दिया मेरा बुरिया गिल्ला करेगी और साइड में बेचन बुरिया गिल्ला करेगी तो ना भी क्यारी बढ़ाई चो और काम चलो जो जोरों शोरों से ही पैथरे दीवार उठन बैठी आप लोग खिच काल बनो छोर कूड़ू और ये पटो वगैरह और स्लिप वगैरह पोड़ की ना और एक बाद यहाँ मून चिणे 2-2.5 फीट और फिर एक बाद वालू लेंटर डने तैयारी तो दिखा चाहूँ तो फ्रंट कैमरा बटे कि बैसो में तर ही और ये छोड़ बड़ा ही मेरी डीम ताकि पटो और स्लिपों में तरह अच्छी से वैसा कि
हरी छो क्यारी क्यारी बुने को माटो भी छो सिल्पों गए पटो गए और यहाँ में देख लिया प्याल सुबह रोज हम यार पानी भूरू अरे तक छे जाम पानी तो तरह अच्छी होनी चाहिए हम और या च भितरों को कमरा हर यो भैरव को बरामदा पूरा और एक पैथरे चिणे भी हुई क्या शिल्प पटों का बराबर बीचों को भी हुई क्या बराबर और ये बीच एक शिल्प एंड पटो चु तो यहाँ मचिन मेरा पीछे यहाँ भर रहा यान भी काफ़ी अच्छी तरह भी जानते बुर्रे कम चाहता वो बीच ही बीचों को नहीं बाकी किंडरों में आ रही हो माटू डाली की कैरी टाइप हो बड़ी हरे अंतर है बहुत अच्छी होंगी देख सकते हो ब्याल सुबह रो बुरी मेर पानी अरे तक छेचे हम और तरह भी गए बढ़िया से और यो ढांचा भी गया तैयार मकानों को कूड़ों को और यो चाहे इधर गुठियार स्टार्टिंग में देख लिए क्या बुरा हाल था यहाँ का डूंगन बुर बुर के और अब हूँ बढ़िया थोड़ा थोड़ा कैदी खाली लगभग खाली भी गया थोड़ा बहुत रोई माट वगैरह डलू उम्र ब्याल पर छुको और क्या सुंदर नज़ारा आने सुबह सुबह रो टाइम से हमें चाहूँ पर छतम चढ़ी सिल पटो में और तरह चौंकन और ये कलजी खाल बाजार मोरू ये गहूँ खाल एक सौ तो पूरा भुरी गया कैरी टाइप में और ये रहना बहुत सुबह तक ये नहीं जब का पानी पीण लेंटर थे वहाँ थे पटो थे सिलिप वहाँ थे वो तो क्या बाकी वहाँ नहीं रह जाओ हर दुई दिन बड़े तरह चा नीचे अब काफ़ी पानी पिया लेना और बहुत सुबह रोन बैठ जाली ना अपने चिणे और एक बार माटो मोटो साफ कर ला और इस मेरे एक साइड बड़े ग्यारह कैरी बड़ी और उन भी सेम ग्यारह कैरी छन बड़ी और इन भी ग्यारह बुरी छन पीछे हैं और तरह भी जाने ना बढ़िया फिर लेंटर होना भी निकन पड़ो लो और इस समय में ढूंगों की चिड़िया हुई डस्ट आदगढ़ अब पुराना डूंगो छात एक चल जो कालू दिखेण चो तो मोल माट वगैरह छाया हम लगे हूँ जो पुराने दीवालों से आए तो वो भी हम साफ कह रहे ये वोल कमरा भी साफ हो गया ये वोल कमरा भी साफ हो गया अब रही चो हॉल हॉल में जन के दिखेण वाला तो लाल पेंटो निशान चुनो को निशान वो सब हम ना तार लबरू सन का नाम साफ ताकि प्लस थर्म भी दिक्कत नहीं आए हाँ डूंगो अच्छे से मसल पकड़ दिया जन लगी डबल पता मुँह में गेट भी डबल पता मुँह में वो खिड़की भी डबल पता मुँह में हर यू में बनाना वो भितर बटे ही लकड़ा का दर्जा और बैर बटे जाल दर्जा गेट में तो मैं बड़ू एक लाइन पहली बटे और यू हमारा मिस्त्री जी बना ला दुई ओके और ये भितर साइड है खिड़की ये सिंगल पता मुँह में ना सिंगल पता मुँह में ये का मोड़ सिंगार छो भितर तिर पगा अरे वो भी एक साइड बैठे दर्जो अलग अलग झन्नी लेंटर वगैरह पुड़ जाओ प्लस्तर वगैरह जाओ एक बार दर्जो खिड़कियों काम वालों हर यू लगे ना मरलू है कि हमारे गाँव में भी अब दियों को वगैरह आन बैठ गया पहले तो नहीं शादियों को लेकिन अब दियों का आन बैठ गया जे एक चल रहा कि लकड़ा दर्जो सक्सेस नहीं ना वहाँ का चल रहा मुझे लूहा कपड़ों नहीं बेटा भितर तिरपा हम लगे सिंगल पता मुँह और मेन तिरपा लगे ना मुना भैर तिरपा डबल पता मुँह